आज लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लंबा टनल मैंने साइकिल चला के क्रॉस किया। 3 किलोमीटर लंबा था ये टनल, देखो। फोर्थ नंबर वाला टनल भी हो चुका है खत्म, ये भी उतना ही लंबा था। सर जब ऊपर रूम मिलता है ना, तब देखो कुछ इस टाइप पे अपना बैग सेक सब ले जाना पड़ता है। पीछे भी बैग, आगे भी बैग, हाथ में भी बैग। स्वामी विवेकानंद के विचारों के लिए हम निकले हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए बहुत कुछ किया। मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक का कुछ भी पैसा नहीं लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के और एक नए ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में देखा मैंने गुरुद्वारा पे स्टॉप ले रखा था, तो इधर जो है ना लगभग 3 दिन मैंने स्टॉप लिया। एक दिन तो चंडीगढ़ से बस से आया रात में, उस दिन हो गया। उसके बाद एक दिन कपड़ा शपड़ा धोया और एक दिन ऐसे ही मैंने स्टॉप ले रखा था। बाकी सुबह सुबह उठ के अपना चेतक पे सब सामान लोड कर दिया, देख सकते हो, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए। तो चलते हैं गुरुद्वारा से बाहर। गुरुद्वारा से निकल के आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट। और ये देखो, ये सब है कुल्लू सिटी। कितना बढ़िया लगता है ना पहाड़ के ऊपर ऊपर घर, कितना अच्छा लगता है देखने में। ये देखो, वो देखो, एकदम टॉप पे भी घर बना रखा है लोगों ने इधर भी। रात में आप लोगों को दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, उसमें पूरा लाइट जल रहा था इन सब पे, उसका भी नज़ारा एक अलग ही था। पहाड़ पे बीच बीच में लाइट जल रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में हिमाचल का जो घर द्वार है। बाकी अभी मैं NH3 पकड़ चुका हूँ, वहाँ पर था गुरुद्वारा, ये देख सकते हो। और अभी मैं जाऊँगा डायरेक्ट मंडी की तरफ। डिस्टेंस जो है ना कुछ 70 किलोमीटर है। प्लेन एरिया रहता तो पहुँच जाता आराम से एक दिन में 70 किलोमीटर। तो अभी मंडी जा रहा हूँ। रोड पता नहीं कैसा मिलेगा, अप एंड डाउन मिलेगा कि चढ़ाई मिलेगा, कुछ नहीं पता। बाकी NH3 पकड़ चुका हूँ, तो अभी आराम आराम से चलाते रहते हैं। और बहुत दिन बाद चेतक को चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है, और पूरा स्मूथ चल रहा है क्योंकि सर्विसिंग कराया था ना, और ब्रेक वगैरह भी प्रॉपर काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है आज चलाने में। साइकिल चलाता हुआ टाइम जो है ना कुछ 1 बज चुका है। मैंने आज का राइड स्टार्ट किया था 10 बजे के टाइम पे, और अभी तक मैंने 30 किलोमीटर साइकिल चला लिया कुल्लू से लेके। अभी मंडी का डिस्टेंस शायद 40 किलोमीटर और रह गया होगा। बाकी चलता हुआ जो है ना, यहाँ पर एक सर मिला, देख सकते हो, जो कि सर कहाँ से आप? मैं जयपुर राजस्थान से। ऑल इंडिया टूर, क्लाइमेट चेंज से वाटर प्लांटेशन, एजुकेशन, भाईचारा, कुछ अच्छे के लिए निकले हम लोग। अच्छा, मेरा बेटा साथ में है, 7 साल का सहज छीपा। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सहज छीपा है। अच्छा, तो राजस्थान से निकले, अभी 6 साल स्टेट हुआ है। हाँ, 1 साल लगेगा ना। स्वामी विवेकानंद के विचारों के लिए हम निकले हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए बहुत कुछ किया, और देश को एक सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते थे। उन्हीं के सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हैं। तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो देश में बहुत ही बहुमूल्य थे। आज हर युवा को उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि देश आगे बढ़े। तो ये हमारी यात्रा है, विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा। अच्छा, सारे फ्रीडम फाइटर सारे मैसेज हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, और हमारे जितने भी लोग योद्धा हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ज्योतिबा फुले हैं, अम्बेडकर साहब है, बिरसा मुंडा है, और ये सावित्रीबाई फुले हैं, ये हमारे इंडिया का पूरा कल्चर है, जिसमें सैनिक, जय जवान, जय किसान, बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं। भारत है लेकिन कई जगहों में पानी की प्रॉब्लम है, किसान प्लांटेशन, ये हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, आप जानती हैं, झांसी की रानी, झांसी की रानी, वोटर सेफ फ्यूचर, ये ट्रांसजेंडर LGBT कम्युनिटी के लिए लव, इक्वलिटी एंड एक्सेप्टेंस, उनको भी एक्सेप्ट करो और आगे। बहुत अच्छा, देख सकते हो। और आप लोग दो जने हो? हम दोनों ही। अच्छा, और कोई नहीं है साथ में? नहीं नहीं, आप तो जानते हो जितने लोग उतना खर्चा, और जितने लोग होंगे अपनी टेंशन सारे का प्रॉब्लम, ये दोनों निकलते हैं। जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ रहते हैं मज़े से, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, कहीं भी उठते हैं चौपाल लगाते हैं। अच्छा, और उस तरीके से निकलते हैं। बहुत अच्छा, मुझे प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए, जैसा आपका मैसेज है, बिल्कुल, साइकिल चलाना चाहिए, हेल्थ भी, पोल्यूशन के भी काम है, हमारे कलाम साहब ड्रीम बिग, ये बहुत अच्छा मैसेज है हमारा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत अच्छा, ये सब मैसेजेस है। हाँ, नशा तो मेरा भी यही रहता है, हेल्थ का जो रहता है ना, उसमें मैं यही बोलता हूँ, अगर 100% अल्कोहल बन रहा है ना पूरा वर्ल्ड में, उसमें से 50% हमारा इंडिया पी जा रहा है,
तो वो एक बहुत गंदा रास्ता है। युवा ड्रग्स और नशे और एल्कोहल की तरफ बहुत जा रहा है। बिल्कुल। तो युवाओं को पहले भारतीयता की सोच होनी चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत को आगे बढ़ाने की सोचें और नशे को कम से कम या नहीं के बराबर कंज्यूम करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा लगा अनुपम, थैंक यू। तुम्हारे मिशन में कामयाब हो, ये हमारी दुआएं हैं और हमसे जो भी आपको मदद चाहिए हमें बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओ सर तो चला गया, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और सर ने जो है ना मेरे को लंच भी करा दिया यहाँ पर। बाकी अभी थोड़ा सा आगे आते जो है ना, ये देखो एक टनल मिला है जो कि 3 किलोमीटर लंबा है। मैप में देखा तो पता चला अभी 3 किलोमीटर लंबा टनल मेरे को चला के क्रॉस करना पड़ेगा। डर लगता है टनल के अंदर, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है। देखो पूरा अंधेरा है, अंधेरा नहीं सॉरी लाइट जल रहा है, फिर भी 3 किलोमीटर लंबा टनल बहुत होता है, क्रॉस करते हैं फटाफट। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लंबा टनल मैंने साइकिल चला के क्रॉस किया। 3 किलोमीटर लंबा था ये टनल, देखो डर लग रहा था अंदर बहुत ज़्यादा, इसके वजह से अंदर कुछ भी वीडियो शीडियो नहीं बनाया, बस चलता गया। और अच्छी बात ये था कि टनल के अंदर जो है ढलान था, चराई नहीं था। अगर चराई रहता ना फिर तो और ज़्यादा डर लगता, पैदल आना पड़ता। बाकी कोई नहीं, क्रॉस हो गया। अभी जो है ना आगे और भी टनल मिलेगा। थोड़ा सा आगे आते जो है ना एक टनल और मिला है और इसका डिस्टेंस जो वहाँ पर खड़ा रहता है ना गेट पे, उससे पूछा था तो उन्होंने बोला कि 13 किलोमीटर का है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और ये टनल देखो एकदम नया नया बना है अभी अभी और इसके अंदर बहुत अच्छा खासा लाइट है। इसमें उतना डर नहीं लग रहा है लेकिन उस वाले में बहुत डर लगा था जो 3 किलोमीटर लंबा था वो। बाकी टनल के अंदर भी लोग ओवरटेक कर रहे हैं, बताओ। टनल के अंदर ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बाकी कोई नहीं, इसे भी फटाफट क्रॉस कर देते हैं। तो 13 किलोमीटर लंबा टनल खत्म हो चुका है। बाकी नज़ारा देखो कितना बढ़िया है और आज पहाड़ों का विजिबिलिटी पता नहीं क्यों नहीं है, आगे का जो पहाड़ है वो अच्छे से दिख ही नहीं रहे। बाकी बहुत हरा भरा सीन देख सकते हो, अच्छा लगता है ऐसा हरा भरा सीन में साइकिल चलाने में। और जो लद्दाख का सूखा पहाड़ी था उन सब में तो अलग ही जादू था, जो कि दोबारा बुलाया है और दोबारा जाना ही है लद्दाख मेरे को। अगर YouTube में कुछ बन भी ना पाए ना, मैं खुद कमा के लद्दाख का ट्रिप साल में एक बार ज़रूर कर लिया करूँगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को लद्दाख, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छा लगा। बाकी आराम आराम से चलाते रहते हैं, अभी रोड जो है ना ज़्यादातर ढलानी है। अभी थोड़ा सा आगे आते जो है ना एक टनल और मिल गया, ये देख सकते हो आज का 3रा नंबर वाला टनल है ये। ये पता नहीं कितना लंबा है, बाकी ये भी नया नया बना है एकदम। ऐसा रहता है ना तो डर नहीं लगता है उतना, देखो जितना ये है ना ऐसा एकदम लाइट लगा हुआ है और एकदम साफ सुथरा है। बाकी इसे भी क्रॉस करते हैं फटाफट। 3रा नंबर वाला टनल खत्म करते ही ये देखो 4था नंबर वाला टनल आगे रेडी है एकदम। और इस टनल का डिस्टेंस भी सेम ही था, 1.5 किलोमीटर ही होगा। अब पता नहीं इसका कितना होगा, ये सब जो है ना नया नया बना हुआ है एकदम, तो इन सब में उतना डर नहीं लग रहा है, आराम आराम से चला रहे हैं साइड से। कुछ लोग हैं जो कि ओवरटेक कर रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा डर है। बाकी आप लोगों को यही बोलूँगा टनल के अंदर कभी भी ओवरटेक मत करना, एक के पीछे चलना आराम आराम से। बाकी इसको भी क्रॉस करते हैं। 4th नंबर वाला टनल भी हो चुका है ख़त्म, ये भी उतना ही लंबा था लगभग 2 किलोमीटर। आज 4 टनल क्रॉस किया, टोटली मिला के 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस हो ही गया टनल का। बाकी अभी आगे का पता नहीं टनल मिलेगा या नहीं। बाकी अभी मंडी का डिस्टेंस जो है ना कुछ 28 किलोमीटर रह गया और टाइम कुछ 3:30 बज रहा है और मैप में देख रहा हूँ तो पता लग रहा है कि चराई मिलेगा आगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मंडी तक दोबारा ढलान है। तो आज जो है ना मंडी पहुँचने का पूरा कोशिश करते हैं, पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये सब देखो काट पीट के रोड बनाया गया है और अभी थोड़ा बहुत चाय शाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट भी लेते हैं बैठ के। खाना खाने के बाद रेस्ट ही नहीं लिया, डायरेक्ट चलाना चालू कर दिया। अभी रुका था चाय शाय पीने के लिए तो मैंने चाय तो पीता नहीं हूँ तो कोल्ड ड्रिंक ही लिया, तो भैया ने जो है ना कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक का कुछ भी पैसा नहीं लिया। बाकी क्या नाम है भैया आपका? गीतानंद। अच्छा, और आगे थोड़ा सा चढ़ाई मिलेगा अभी? हाँ, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। अच्छा, आप डैम पर चढ़ाई मिलेगी, वहाँ से फिर प्लेन है। डैम भी आ गया? हाँ डैम भी है, वहाँ पर रुकना बहुत अच्छा व्यू आएगा। कौन क्या डैम है, डैम का नाम? पंडो डैम है। पंडो डैम, दोबारा बोलो। पंडो डैम। पंडो डैम। बाकी चलो भैया शुक्रिया आपका।
भैया को बाय बाय बोल के निकल चुका हूँ। अभी रेस्ट नहीं लूंगा, चराई खत्म करने के बाद ही रेस्ट लूंगा। और चराई जो है ना 1 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होगा, भैया बोल रहा था। चराई जो है ना स्टार्ट हो चुका है और एकदम नॉर्मल चराई है, ये देख सकते हो। धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, शायद वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। और पीछे एक राउंड ऐसे घूम के आया मैं, बाकी ख़त्म करते हैं फटाफट। जो चराई था ना उसको मैंने ख़त्म कर दिया, टाइम को 4:30 बज चुका है। ये देखो यहाँ से आया था बस अभी, इस मोड़ से दलान आ गया, देख सकते हो। गर्मी लग गया था बहुत, मैंने वो अपना ऊपर वाला हुडी फुडी खोल दिया, बहुत गर्मी लग रहा था। बाकी अभी ढलान है, अगर कहीं पे थोड़ा सा रुकने का अच्छा जगह मिलेगा तो थोड़ा रुक के रेस्ट फेस्ट लेंगे, नहीं तो ढलान का एंजॉय लेते हैं। भैया जो डैम के बारे में बोल रहा था ना, उस डैम के पास आके पहुंचा था, लेकिन वहां पर वीडियो नहीं बनाने दिया, पता नहीं क्यों, वहां पर कुछ पोस्ट वगैरह था। बाकी ये डैम बहुत सुंदर था, उसका जो पानी का कलर था ना ऐसा था, देखो ये जो पानी बह के जा रहा है ना, मतलब आ रहा है उधर से, ये डैम का ही पानी है, बहुत सुंदर है। बाकी जो सनसेट हो रहा है ना कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख सकते हो। और अभी मंडी का डिस्टेंस रह गया 19 किलोमीटर, और मंडी में रुकने के लिए गुरुद्वारा वगैरह होगा, बड़ा सिटी है मंडी, तो पटापट मंडी पहुंचते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आके पहुंच चुका हूँ मंडी में। सिटी जो है ना थोड़ा रोड से अंदर है, आगे जो वो लाइट जलता हुआ दो दिख रहा है ना, देख सकते हो, वो जो है ना टनल है, जो कि मेरे को कल क्रॉस करना पड़ेगा शिमला जाने के लिए। अभी क्रॉस नहीं करना है, अभी जो है ना टनल की साइड से एक रास्ता जा रहा है, वही जाएगा मंडी सिटी में। कुछ 3 किलोमीटर है यहाँ से गुरुद्वारा का डिस्टेंस, सिटी के अंदर है, तो गुरुद्वारा पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं रहने बहने का क्या होता है। गुरुद्वारा पे आके पहुँच चुका हूँ, और आते जो है ना रुकने उकने का इंतज़ाम भी हो चुका है, ये देख सकते हो, कुछ 100 रुपये लेता है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है देख सकते हो, और रूम देखो इधर बना हुआ है बहुत सारा। बाकी अभी पहुँचते हैं रूम पे, और यहाँ पर जो है ना मतलब हॉल नहीं मिलता है, रूम मिलता है, तो मैं जो है ना एक अंकल के साथ शेयर करके रुका हूँ, वो अंकल पता नहीं कहाँ का है, जाके बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। बाकी रूम पे पहुँचते हैं, जब ऊपर रूम मिलता है ना तब देखो कुछ इस टाइप पे अपना बैग सेक सब ले जाना पड़ता है, पीछे भी बैग, आगे भी बैग, हाथ में भी बैग। और वैसे मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं जाते वक्त हरियाणा में सब लगेज वगैरह कम करूँगा, दिवाली से पहले पहले हरियाणा पहुँचने का प्लान रहेगा मेरा। बाकी अभी 85 नंबर वाला रूम है, देखते हैं कहाँ पर है। अच्छा यही है, देख सकते हो रूम, देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, मतलब कि रूम के अंदर ही हॉल बना रखा है। यहाँ पर वो अंकल सोया हुआ है, पता नहीं अभी कहाँ पर गया है। बाकी यहाँ पर और एक लड़का सो रखा है, 3 जने हैं। बाकी मैं रूम पे आके जो है ना हाथ मुँह धो के मस्त लंगर वगैरह चख के आ चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे पे। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैंने 70 किलोमीटर चलाया, कुल्लू से डायरेक्ट मनाली पहुंच गया, बहुत दिन बाद लंबा राइड किया, बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे पे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।